रुद्रप्रयाग में पुलिस वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर हेलमेट अभियान चलाया गया, जिसके तहत जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं सीईओ हर्षवर्धनी सुमन ने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं दिखते हैं, जिससे लापरवाही के कारण लोगों की जान चली जाती है। जबकि पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार ने बताया कि पुलिस दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य अभियान शुरू करने जा रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। और ज़्यादा चेकिंग हम बढ़ाते हैं अपनी, और साथ ही साथ पुलिस के अलावा ये हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगी, रुद्रप्रयाग की सम्रांत जनता से, कि जितने भी ट्रैफिक नियमों के नियम हैं उनके पालन करें। तो सबसे पहले उन बच्चों को बताएं कि पहले हेलमेट, मोटरसाइकिल घर से निकालने से पहले हेलमेट पहने, और हेलमेट हमारा ये कानून के हिसाब से जरूरी है कि उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। कल ही अगर ये लड़का हेलमेट पहना होता शायद इसकी जान बच जाती थी, लेकिन इसका हेलमेट नहीं था और रैश ड्राइविंग कर रहा था। तो मैं सभी उन युवा शक्ति से, नौजवानों से भी आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि कृपया, जीवन बहुत अमूल्य है, इसको बचाएं। और सभी रुद्रप्रयाग जनपद के क्षेत्र के नगर के जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनसे ये अपील है कि जब भी वाहन चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करिए।